मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 1.5 लाख रुपए में नवजात बच्ची को बेचने वाले माँ बाप सहित 6 लोगों को ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 ने गिरफ्तार किया है। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें बच्ची के बाप का नाम है वकील अंसारी और माँ का नाम है मुमताज अंसारी। ये दोनों मियाँ बीवी भिवंडी के रहने वाले हैं और बच्ची को बेचने में मदद करने वाले जो इनके दो रिश्तेदार हैं, जो मौसी लगती है उसका नाम है कायनात खान और एक और रिश्तेदार है जिसका नाम है मुजम्मिल खान, और इसके अलावा जो दो दलाल हैं जो बच्ची की सौदेबाजी करवाते थे वो भी मुमरा के ही रहने वाले हैं, उनके नाम है जीनत शेख और वसीम शेख। ये चारों यानी कि कायनात खान और मुजम्मिल खान, जीनत शेख और वसीम शेख, ये चारों लोग मुमरा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि भिवंडी के सरकारी अस्पताल में 4 दिसंबर को ये बच्ची पैदा हुई थी और तभी से इस बच्ची के बाप वकील अंसारी और मां मुमताज अंसारी मुमरा में रह रहे दो रिश्तेदार कायनात खान और मुजम्मिल खान और दो दलाल जीनत खान और वसीम खान के संपर्क में थे, क्योंकि इन्हें बच्ची को बेचना था और इसकी गुप्त जानकारी ठाणे क्राइम ब्रांच यूनिट 1 को मिली, जिसके बाद फर्जी ग्राहक बनकर बच्ची की सौदा करने के लिए ठाणे के कैसर मील के पास एक होटल में बच्ची के माँ बाप और दोनों रिश्तेदार और दोनों दलाल वहाँ पहुँचे और यहाँ फर्जी ग्राहक से मुलाकात हुई और सौदा 1.5 लाख रुपए में तय हुआ। जैसे ही 1.5 लाख रुपए इन लोगों ने लिए और बच्ची को दिए वैसे ही पुलिस ने इन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठाणे के राबोड़ी पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की FIR दर्ज की गई है और बच्ची को डोंबेवली के जननी आशीष चैरिटेबल ट्रस्ट में रखा गया है जहां बच्ची की सेहत बिल्कुल स्वस्थ बताई जा रही है। इस पूरे मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक कृष्ण कोकड़ी ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। किस तरह से ट्रैप लगाया है यूनिट 1 ने और आगे किस तरह से कोशिश रहेगी और किस किस को बच्चे बेचने वाले थे। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक 5-6 दिन का जो बच्ची है उसको बेचने के लिए कोई जो ग्राहक ढूंढ रहे हैं, ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली। इस हिसाब से हमने उस पर थोड़ा वर्कआउट करके हमारा ही जो डमी ग्राहक उस जो एजेंट है उसके संपर्क में लाए और उस ग्राहक से वो जो एजेंट है उनसे बातचीत के दौरान ये तय हुआ कि 1.5 लाख रुपए में वो बच्ची देने को बेचने को रेडी है। तो फिर वो बेचने के लिए राबड़ी के जो होटल है, स्वागत होटल है, उसमें आने वाले हैं। इस हिसाब से आने वाले थे इसलिए हमने सब वो टीम के साथ वहाँ पे ट्रैप किया, ट्रैप लगाया था। वो आए, बच्ची को दिखाया, उसके अगेंस्ट में उसके बदले में उन्होंने 1.5 लाख लिया। पैसे लेते टाइम हमने उसको रेड किया, रंगे हाथ मिले। हमको वहाँ पे 6 लोग मिले, उसके माता पिता, उसके रिलेटिव और एजेंट, ऐसे लोग मिले। उनके ऊपर हमने कार्रवाई की, फायर हुआ और वो आगे का इन्वेस्टिगेशन अभी राबड़ी पुलिस स्टेशन कर रही है। महिला ने इस तरह से अभी आगे भी किसी बच्चे को बेचा है क्या, और बेचते रहेंगे तो किस तरह से क्या रेट रहेगा इन लोग का? हाँ, तो अभी तक हमारा जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो इस ऐसा पता चल रहा है कि लड़की जो है, लड़की 1.5 लाख, छोटा बच्चा रहेगा 1.5 लाख या उसके आगे जैसा ये मिलेगा वैसे वो बेचते हैं। और इसमें ये एजेंट जो है, इन्होंने अभी तक कितने लोगों को, कितने बच्चे को बेचा या क्या उन्होंने व्यवहार किया है, इसके बारे में आगे जो इन्वेस्टिगेशन राबड़ी पुलिस स्टेशन कर रही है और जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा इन्फॉर्म किया जाएगा। बच्चे की तबीयत कहाँ किस तरह? हाँ, बच्चे की तबीयत बढ़िया है, बच्चा बहुत खूबसूरत है, लड़की बहुत खूबसूरत है और उनको हमने अभी समाज कल्याण विभाग से सहमत उनके आदेश के अनुसार हमने उनको जननी आशीष ट्रस्ट डोंबिवली में रखा है।